हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट चित्रा, लेकर हाजिर हूं आप सभी का पसंदीदा और हमारा खास बॉलीवुड बज, जिसमें आज मदर्स डे के खास मौके पर हम आपको दिखाने वाले हैं बॉलीवुड के कुछ उन सितारों के प्यार के बारे में जो ना सिर्फ अपनी माँ बल्कि अपनी सौतेली माँ से भी बेहद प्यार करते हैं और छिड़कते हैं उन पर जान। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हर किसी की ज़िंदगी में हर किसी की माँ उसके लिए सबसे पहले होती है किसी भी दूसरे इंसान से बढ़कर। माँ एक वो शख्सियत होती है हमारी ज़िंदगी में जिसके लिए हम कुछ भी कर जाने को तैयार होते हैं। तो आज के इस खास प्रोग्राम में हम बॉलीवुड के कुछ उन सितारों के बारे में आपको बताएंगे जो ना सिर्फ अपनी माँ पर जान छिड़कते हैं बल्कि अपनी सौतेली माँ से भी बेहद प्यार करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं, बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की भी दो माँ हैं। उनके पिता सलीम ने दो शादियाँ की, लेकिन बता दें कि शुरुआत में जब उनके पिता सलीम ने दूसरी शादी की तो सलमान और उनके भाई काफ़ी नाराज़ थे अपनी सौतेली माँ से। लेकिन आज अगर देखा जाए तो इनका प्यार इतना गहरा है कि इनके प्यार को देखकर हर किसी की आंखों में पानी आ जाए। सलमान खान अपनी सौतेली माँ हेलेन पर जान छिड़कते हैं। तो दोस्तों, आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको कुछ ऐसी ही सेलिब्रिटीज़ की सौतेली माँ और उनके रिश्तों के बारे में बताने वाले हैं जो हमेशा ही अपने प्यार को लेकर लोगों के बीच चर्चा में रही हैं। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस खास प्रोग्राम की। हमेशा ही खबरों में रहने वाले सलमान खान अपनी हर बात के लिए लोगों के बीच चर्चा में रहते हैं। फिर बात हो चाहे उनकी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी हुई या फिर उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई, लेकिन उनके फैंस की नजर हमेशा ही उनकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात पर रहती है। तो साथ ही जैसा कि सब जानते हैं कि सलमान खान की दो माँ हैं। जी हाँ दोस्तों, जब बात हम उनकी पर्सनल लाइफ की कर रहे हैं तो आज इस मदर्स डे के मौके पर हम बात करने वाले हैं उनकी दोनों ही माँ के बारे में। बता दे दोस्तों, सलमान के पिता सलीम ने दो शादियां की और सलमान उनकी पहली पत्नी के बेटे हैं। सलमान अरबाज और सोहिल खान उनकी पहली पत्नी के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक्ट्रेस हेलेन से दूसरी शादी की। जी हाँ दोस्तों, यानी पहली शादी करने के बाद उनके पिता सलीम एक्ट्रेस हेलेन के प्यार में पड़ गए और उन्होंने उनसे शादी कर ली। रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान और उनकी माँ पहले हेलेन को पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब उनको कुछ समय बाद इस बात का एहसास हुआ कि वो इतनी भी बुरी नहीं है जितना उनको लगता है, तो बता दे दोस्तों कि तभी से सलमान की फैमिली ने उनको अपना लिया और आज सलमान जितना प्यार अपनी माँ से करते हैं उतना ही प्यार वो अपनी सौतेली माँ से भी करते हैं। साथ ही सलमान की माँ ने भी हेलेन को अपना लिया था और आज उनकी फैमिली को काफी खुश देखा जाता है। तो साथ ही उनके दोनों भाई भी अपनी दोनों ही माँ से बेहद प्यार करते हैं। सलमान ने कभी भी अपनी माँ या अपनी सौतेली माँ में फर्क नहीं समझा। अक्सर ही इनकी तस्वीरें भी सामने आती हैं जिसमें सलमान अपनी दोनों ही माँ के लिए काफी केयरिंग नजर आते हैं। बी टाउन में ऐसे कई सितारे हैं जिन्होंने दो दो शादियां रचाई हैं, जिनमें से कुछ तो अपनी दोनों पत्नियों के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ हैं जो अपनी पहली पत्नी को छोड़ चुके हैं। तो इसी में एक नाम शामिल होता है पटौदी खानदान के नवाब सैफ अली खान का भी। जैसा कि सब जानते हैं, सैफ ने पहली शादी की थी खुद से सालों बड़ी एक्ट्रेस अमृता सिंह से। उनकी शादी काफी चर्चाओं में भी रही थी। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि इनकी शादी के खिलाफ इनका परिवार भी था, लेकिन इसके बाद भी इनका प्यार परवान चढ़ा और उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली। अमृता और सैफ के दो बच्चे हैं, सारा अली खान और इब्राहिम खान, लेकिन कुछ समय बाद सैफ करीना के प्यार में पड़ गए और अमृता को छोड़कर उन्होंने करीना कपूर से शादी कर ली। उनकी शादी के बाद दोस्तों बता दे कि अक्सर ही ये सवाल उठता रहता है कि करीना के उनके सौतेले बच्चों से कैसा रिश्ता है। तो बता दे आप सभी को, सारा अली खान और करीना के बीच काफी गहरा रिश्ता है, दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी है। इतना ही नहीं, दोनों को अक्सर साथ में देखा भी जाता है।
कभी भी सारा को उनकी माँ से यानी करीना से लड़ाई झगड़ा करते या फिर उनसे अलग होते नहीं देखा गया। तो कभी कभी इन दोनों को पार्टीज में भी एक साथ देखा जाता है। वेल, बात की जाए अगर इसके अलावा तो बता दे कि सैफ और करीना का भी एक बेटा है तैमूर अली खान, जो किसी पहचान का मोहताज नहीं। और तैमूर संग भी उनके सौतेले भाई बहन के रिश्ते काफी अच्छे हैं। बी टाउन में किसके रिश्ते किससे कैसे हैं ये तो सभी जानते हैं। किसी के रिश्ते किसी के साथ काफी अच्छे हैं तो किसी के काफी बुरे। हमेशा ही बी टाउन में रिश्तों का ये सिलसिला चलता रहता है, जो काफी उलझे हुए हैं तो कुछ काफी सुलझे हुए हैं। तो वहीं जहां आज हम बात कर रहे हैं माओ के बारे में, तो बता दे कि बी टाउन में कुछ सितारे अपनी माँ से बेहद प्यार करते हैं तो कोई अपनी सौतेली माँ को देखना भी पसंद नहीं करते। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ अपनी सौतेली माँ से बेहद प्यार करते हैं अपनी रियल माँ की बजाय। बता दे दोस्तों, इसी लिस्ट में एक और नाम शामिल होता है बॉलीवुड के जाने माने एक्टर शाहिद कपूर का भी, जो अपनी माँ से भी ज्यादा अपनी सौतेली माँ से प्यार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दे कि शाहिद पंकज कपूर और नीलिमा के बेटे हैं। तो वहीं उनकी सौतेली माँ है सुप्रिया। बता दे दोस्तों, कहा जाता है कि शाहिद अपनी सौतेली माँ सुप्रिया के काफी करीब हैं। अपनी माँ से वो बेहद प्यार करते हैं। इतना ही नहीं, जब शाहिद कपूर की शादी हुई मीरा से तो उनकी माँ सुप्रिया की उसमें खास भूमिका थी। हर रस्म में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसके चलते वो काफी खबरों में भी रही। तो साथ ही ना सिर्फ अपनी माँ से बल्कि शाहिद अपने सौतेले भाई बहनों से भी बहुत प्यार करते हैं। बात की जाए अगर शाहिद कपूर की फिल्मी दुनिया के बारे में, बता दे जैसा कि सब जानते हैं, हाल ही में वो अपनी फिल्म पद्मावत को लेकर खबरों में रहे थे। इस फिल्म में शाहिद को एक अलग ही अवतार में लेकिन बेहतरीन एक्टिंग करते हुए देखा गया। बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान की फिल्मों का उनके फैंस बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। जब भी कोई फिल्म लेकर आते हैं आमिर हर कहीं छा जाते हैं। तो साथ ही जिस तरह से वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर खबरों में रहते हैं, उसी तरह से अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में आ जाते हैं। जैसा कि सब जानते हैं, आमिर ने दो शादियां की हैं, लेकिन उनकी पहली पत्नी रीना दत्त से उनकी शादी ज्यादा नहीं चल पाई और कुछ समय बाद वो अपनी पत्नी से दूर हो गए थे। और किरण राव से शादी कर उन्होंने अपना घर बसाया और तब से ही किरण के साथ अपनी शादीशुदा जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं आमिर। तो साथ ही इसी के साथ ये सवाल भी उठता है कि किरण के उनके सौतेले बच्चों के साथ कैसे रिश्ते हैं। बता दे कि किरण के उनके सौतेले बेटे जुनैद से काफी अच्छे रिश्ते हैं, अक्सर ही उनको साथ में देखा जाता है। पब्लिकली भी उनको साथ में कई बार देखा गया है। इसी बात से जाहिर होता है कि किरण और उनका सौतेले बच्चों का रिश्ता काफी अच्छा है। और आमिर खान ना सिर्फ बड़े पर्दे पर स्टार हैं, बल्कि अपनी रियल लाइफ में भी वो किसी स्टार से कम नहीं है। वेल दोस्तों, देखा आप सभी ने हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में बॉलीवुड के उन सितारों के बारे में, जो ना सिर्फ अपनी माँ बल्कि अपनी सौतेली माँ से भी बेहद प्यार करते हैं। अपनी माँ की तरह ही वो अपनी जिंदगी में अपनी सौतेली माँ को भी वही दर्जा देते हैं। जहां हम बात करते हैं बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान के बारे में, तो बता दें कि इसी लिस्ट में एक और नाम शामिल होता है पटौदी खानदान के नवाब सैफ अली खान के बच्चे यानी सारा अली खान और उनके भाई के बारे में। जैसा कि सब जानते हैं कि सैफ अली खान ने पहली शादी एक्ट्रेस अमृता सिंह से की थी, लेकिन जब उनका दिल आया करीना पर तो उन्होंने अमृता को छोड़कर करीना से शादी कर ली। लेकिन अमृता से उनके दो बच्चे हैं, जिसके बाद हमेशा ही ये सवाल उठता रहा कि आखिर करीना के उनके सौतेले बच्चों से संबंध कैसे हैं। तो दोस्तों बता दे कि करीना और उनके सौतेले बच्चों के रिश्ते काफी अच्छे हैं। अक्सर ही सारा अली खान को करीना के साथ देखा जाता है, यानी सारा अपनी माँ अमृता की तरह ही करीना को भी अपनी माँ मानती है। इतना ही नहीं, अपने भाई यानी तैमूर से भी बहुत प्यार करती है सारा अली खान और कई बार उनको उनके परिवार के साथ देखा भी जाता है। यानी यहाँ हम आपको बता चुके हैं मदर्स डे के खास मौके पर बॉलीवुड के उन सितारों के बारे में, जो अपनी दोनों ही माँ को बेहद
प्यार करते हैं। वेल दोस्तों, हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।